मैं जब आसिम को असिस्ट कर रहा था सो आई स्टार्टेड ऑफ इन 2013 आई स्टार्टेड असिस्टिंग हिम ओके तो एज एन एडी जब मैं काम कर रहा था तो सारा रिसर्च करते थे हम पहले पुराना काम तो उन्हीं के काम में से एक काम जो था उनका था एक दूध का कमर्शियल था एंड उसमें मैंने आपको देखा था और तुमने मेरा देखा मेरी आंखों की चमक से समझ लिया होगा कि मैंने देखा और मैंने कहा आसिम ब्यूटीफुल डस्की ब्यूटी और फिर भी तुमने मुझे अपनी मानी बनाया माँ नहीं बनाना यहाँ पे ना? यहाँ पे कुछ और चल रहे थे और आप माँ पे आ गई अच्छा मुझे शर्म आ रही है मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है मुझे मजा आ रहा है अच्छा भाई इतनी महंगी फिल्म दैट्स अ बिग रिस्क इफन मैं ऐसे महंगी फिल्म नहीं बोलूंगा मैं ऐसे बड़ी फिल्म बोलूंगा बिकॉज सच्ची बात अगर मैं आपको बताऊं कि आपसे कुछ छुपा नहीं सबको पता है कि द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी हैव इन आवर इंडस्ट्री द काइंड ऑफ यू नो फाइनेंशियल सेंस दैट अ प्रोडक्ट मेक्स वो उसके साथ आप जो विजुअल देख रही है ना वो मैच नहीं करता तो लोगों को लगता है कि बहुत सारे पैसे लग गए होंगे इसमें इसको अचीव करने के लिए लोगों को ये लगता है बट आई वुड से कि जितने थे वो लगाए हम सारों ने इन्वेस्टर्स ने लगाए बहुत सपोर्ट की स्पॉन्सर ने सपोर्ट लगे भी हैं आम पैसों से ज्यादा पैसे लगे हैं क्योंकि वो लगने के बगैर ये क्वालिटी आ नहीं सकती नहीं आ सकती बट इफ़त मैं आपको ये बताऊं कि जितना आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना वो जो कह रहा है उस उतने नहीं लगे और वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर आसिम का ये कहना है मेरा ये मानना है हम सारों का एज प्रोड्यूसर्स हम ये मैं मानता हूँ मुझे तो बहुत महंगी फिल्म कि फिल्म एक कॉटेज इंडस्ट्री है यू नो जब तक सारे मिलके एज अ फैमिली काम नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे इस पर बहुत सारे लोगों ने एज अ फैमिली काम किया है इन्होंने फॉर एग्जाम्पल हमारे दोस्त उमर सईद यू नो सो एवरीबडी इज गिवन इट ब्लड स्वेट एंड टीयर्स बट इफ इस वक्त तो फिल्म में यही है ना हम सारों का पैशन है ये एक जुनून है इवन फॉर उमर बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस सी ही इज अ बिजनेसमैन एज वेल व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट इज दैट बिकॉज इट्स अ कॉटेज इंडस्ट्री तो उसमें शायद फाइनेंशियली वो रिवॉर्ड नहीं होता फॉर वेंडर टू गेट इनटू इट बट जो वो जुनून है और जो वो एक सेटिस्फैक्शन है और एक आप सेल्यूलॉइड पे बना के जो आप इमोर्टैलिटी अचीव कर रहे हो उसकी जो एक सॉरी फॉर दिस वर्ड बट ठरक कहूंगा बिल्कुल सही ठरक जो है उसके बेसिस पे हम रहे ना रहे ये फिल्म रहेगी आती दुनिया तक रहेगी लोग ये देखेंगे एंड उमर ने इंक्लूडिंग उमर इंक्लूडिंग माय टीम फॉर एग्जांपल अपार्ट फ्रॉम आसिम आई वुड से इंक्लूडिंग माय टीम इमरान असलम साहब हिना फारूकी जो मेरी प्रोडक्शन डिजाइनर थी हानी यहाँ बैठी हुई हैं उन सारों ने आई थिंक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को समझ के ये फिल्म फिर भी बनाई और एक मैंने ख्वाब सबको जाके दिखाया था यू नो आई वाज दैट ड्रीम मर्चेंट काइंड ऑफ अ पर्सन जो जाके यू द वन हु वेंट टू आसिम एंड सेड आई वांट टू मेक अ फिल्म और इट वाज अ म्यूचुअल डिसीजन व्हेन वी मेड होमन जहां आई रिमेंबर आई असिस्टेड आसिम एज फॉर 3 इयर्स उसके बाद एज अ प्रोड्यूसर आई वर्कड विद हिम उसके बाद फिर आसिम से बात हुई मैंने कहा आसिम फिल्म बनाते हैं उन्होंने कहा मैं सिर्फ तब फिल्म बनाऊंगा अगर तुम साथ खड़े हो गए अगर तुम साथ खड़े नहीं होगे तो मैं फिल्म नहीं बनाऊंगा मैंने इतने सालों से नहीं बनाई क्योंकि मैं अकेले नहीं मैं समझता हूँ ये टीम एफर्ट है एंड मैंने उनके साथ खड़े उस वक्त तो बड़े बोल थे मैंने कहा जी आसिम आगे बढ़े साथ हैं हम पता चला कि ये तो बड़ा लग पता गया जहाँ मैं लग पता गई और जब होमन जहाँ कम्प्लीट की तो मैंने कहा यार आई वाज 26 व्हेन आई स्टार्टेड होमन जहाँ एज अ प्रोड्यूसर माशाल्लाह माशाल्लाह एंड वो अगेन वेरी यंग नो बट माशाल्लाह जो स्ट्रेंथ आसिम ने दी थी उसके साथ जब उससे निकला मैं तो मैंने कस्में खाई बिकॉज आपको पता है आप फैमिली टाइम कॉम्प्रोमाइज करते हो माय मदर इज नॉट विलिंग टू टेक माय फोन राइट नाउ माय फादर इज नॉट विलिंग टू टेक माय फोन राइट नाउ दे आर सो अपसेट विद यू माय फ्रेंड्स आर नॉट विलिंग टू ओन मी राइट नाउ बट दे अंडरस्टैंड थैंक यू सो मच बट ये कुर्बानियाँ दे दे के वो भी तो मैंने निकलते साथ ही बोला मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने इज्जत दी इज्जत से निकाला इसके बाद अब बहुत सालों तक मैं प्रोड्यूसर नहीं बनूंगा अच्छा इतना पता लग चुका था इतना लग पता चल गया था पर क्या करें ये जो दिल है हाय दिल बेचारा मानता नहीं मानता नहीं उसी आई थिंक 6 महीने के बाद मैंने आसिम को तंग करना शुरू किया मैंने कहा आसिम अगली फिल्म बनानी है अगली फिल्म बनानी है शहरयार सुकून से नहीं बैठ सकते इन्हें 2 दिन अगर आप रेस्ट ये बताओ मुझे ये मुझे जैसे एक एनर्जी बॉम्ब में सज्जल को कहती हूँ ना तो ये मुझे आदमियों का सज्जल लगता है एनर्जी मतलब ये कहते हैं ना कि मैं थक गया हूँ मुझे नींद चाहिए अगर इन्होंने 10 घंटे की मैक्सिमम 6 महीने के बाद नींद पूरी कर ली है तो फिर इन्हें कुछ और चाहिए करने के लिए 10 घंटे आपको आज बताऊँ आज थोड़ा सुकून का दिन था मैंने सोने से पहले कसम खाई कि यार मैं 6 घंटे पूरे करूंगा
चौथे घंटे में फिर आंख खुल गई मेरी, एक्साइटमेंट से, एक्साइटमेंट से आंख खुल गई और मैंने सोचा शुरू किया अब क्या करना है, क्या करना है, उसको कॉल कर, अब फिल्म रिलीज होगी, अब सुकून लेना है, अब एंजॉय करना है इसको और इसका सक्सेस एंजॉय करना है और फिर अगले वेंट, अभी तो टाइम है एंजॉय करने का, एग्जैक्टली एंजॉय इट। बट मैं आपको बताऊं, मैं अगेन आई वुड से दिस, मसला ये है मेरी ट्रेनिंग, मेरे मेंटर जो है वो एक वर्क हॉर्स हैं खुद, आसन उनको सुकून नहीं आता काम के बगैर, तो जो उनके साथ ट्रेनिंग के साथ शुरू हुआ वो ही इज पास दैट बग ऑन टू मी, एंड लाइक माया सेड नाउ जब मैं फारिग बैठा होता हूँ तो मुझे होता है कुछ करना है, कुछ करना है, we have to do something. ऐसा माया तुम्हारे बारे में ना रूमर्स मैंने देखा थोड़े ज्यादा बनते हैं, बनते हैं। अब एक रूमर मैंने ये सुना है क्या, और बहुत करीबी लोगों से सुना है कि कोई आपस में प्यार व्यार भी हो गया, बहुत प्यार, ताली मारो, नहीं वो वाला प्यार मुझे नहीं, वो वाला दूसरी ताली मारो। अच्छा प्यार तो प्यार होता है, ये वो वाला प्यार, वो वाला प्यार। नहीं नहीं हमारी माशाल्लाह केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और हम लोग, अच्छा तुम लोग डिनाई कर रहे हो, डिनाई के कोई चक्कर नहीं है, नहीं नहीं हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। और बच्चों आइंदा अगर पता चला कि अफेयर था ना तो मैंने झूठा मारनी आके कि मेरे शो पे झूठ बोल के गए थे। अगर आपको ऐसा लगा तो मैंने अपना काम बहुत अच्छा किया, माया ने अपना काम बहुत अच्छा किया, और इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आपको पता करना है कि ये मुझे फिल्म देख के नहीं पता चला, मुझे कहीं से सुनते सुनते पता चला, ये तो और भी अच्छा, वो तो कहते हैं ना वर्ड ऑफ, वो कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ इज बेटर, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का, नहीं मैं इस बात को इसलिए शायद ज्यादा नहीं मानूंगी क्योंकि यही बात मैंने अली जफर और आपकी भी सुनी, उससे पहले आपने उस्मान की मेरी भी सुनी, नहीं उस्मान की नहीं मैंने सुनी, वो आपने कैसे मिस कर दी, वो तो सबसे बड़ी न्यूज़ थी, सारे रीजन है कि मुझे क्यों यकीन नहीं आया, ठीक है, नहीं लेकिन इन दोनों का थोड़ा सा मतलब यू नो मेरी एज में पहुंच के आप इंडस्ट्री की दाई बन जाते हो, आपको हर चीज पता, और वो एज क्या आपकी, 28, आई एम 47, ओके नहीं नहीं ये अब ये मजाक कर रही हैं आप, ओके फॉरगेट इट, लेकिन हमें आके लोग ऐसी बातें बताते हैं, हालांकि अब तुम बच्चे हो, हमें तुम्हारे गॉसिप्स पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं, लेकिन फिर भी लोग बताते, तो जब मैंने वो सुना था तब भी मैं हैरान थी कि नहीं यार ये तो इससे लंबी है, हो नहीं सकता, ये जो आप 8 इंच की हील पहनती है, जो मैंने अली का सुना था, अल्लाह तब मैं आई डिडंट, मैंने नहीं माना, नहीं नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, अली मैं इसको भी नहीं मान रही, लेकिन अगर बाद में पता चला ना फिर मैंने नहीं बात करनी, ये तो मुझे करना तुम्हारे साथ नहीं मैंने किया, तो देखना पड़ेगा ना, मुझे खुद आपने टेंशन में डाल दिया, कहीं है ना कि ये ज्यादा लंबी है। बट इफन मैं आपको एक बात बताऊं, नेपोलियन जो था ना 4 फुट 10 इंच का था, मैं तो फिर भी 5 फुट 10 इंच हूँ, मैं 5 फुट 5 इंच की हूँ फिर भी छोटी हूँ। हाँ ये ठीक, वैसे ये मैच तो ठीक है, अच्छा तो हम फिर दूसरी फिल्म कर ले साथ में, हमने बता दिया लोगों को, आपको मजे की बात बताऊं इफत, कि हम दोनों काम से पहले फिल्म से पहले एक दूसरे से बात नहीं करते थे, तो वहाँ तो ज्यादा मोहब्बत होती है, जहाँ पहले बात ना हो, फड्डा था इफत में, आपको क्या बताऊं, इफत फड्डा, ओ फॉर रोमांटिक, इफत हमें बहुत प्यार था शूट से पहले, अब शूट से पहले अब क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, जाओ मैं तुमसे बात नहीं, हां ये तो कुछ भी नहीं, आपने सच बोल दिया खुद, ये देखो। अच्छा बट इफत मैं आपको मजे की बात बताऊं, लिटरली एक्चुअली इट वाजंट दैट कि लड़ाई वड़ाई या कुछ इस तरह से, बट एक उस तरह की टेंशन थी दैट वी आई थिंक वी डिड वी डन 3 प्रोजेक्ट्स टुगेदर एंड वी डिडंट गेट अलोंग, let's just keep it at that, okay, let's keep it at that, we didn't get along, kya kya tha, acha aapne mujhe jo hamara hua tha Vogue India ka magazine, usme aapne acha सेल्फी ले रहे हैं शहरयार और हम पूरे फाहद भी वहाँ पर, आयशा उमर सनम सईद हम सारे वहाँ पर हैं और एक इंसान ने मुझे बुलाया तक नहीं, इफ़त मैं साथ खड़ी हूँ, तो तुम्हें इससे अंदाजा नहीं है मेरे पास यही मोहब्बत है, स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है, 2 साल पहले की बात है, इफ़त मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास प्रूफ है उस सेल्फी के अंदर, ये भी है, वो तो मैं आ गई ना जबरदस्ती इफ़त के, मैं तो लेफ्ट आउट फील कर रही थी, मुझे क्यों नहीं बुलाया, एबीसी टीम का हिस्सा मुझे तो, आप ले लो पिक्चर में, एक सेकंड ब्रेक, अल्लाह बस नो भाई, ये सेल्फी दिखाना बहुत जरूरी है, ये तो मेरा प्रूफ है, ओके ओके वो तो मैं आ गई ना उससे पहले की कहानी मैं इफ़त को सुना रही थी, अच्छा बस अब फिल्म हो गई ना, अब हो गई, अब बस, अच्छा अच्छा नहीं वो जाएंगे, अच्छा माया एक और सवाल सच्चे, क्योंकि इट्स से इट ऑल, जी जी बहुत बड़ी कास्ट है फिल्म की और बहुत सारी खवातीन हैं, तुम्हें कहीं लगा कि कोई अननेसेसरी तुमसे कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है या तुम्हारी वजह से इनसिक्योर हो रहा है? नहीं बस ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे माहिरा के साथ तो मेरा कोई सीन था ही नहीं जो कि आपने बहुत ज्यादा इतना मैं कंप्लीट कर रहा था इसके साथ, इसका मेकअप टाइम मुझसे ज्यादा क्यों है, ये मतलब मुझसे पहले आएगी मुझसे बाद में आएगी, देखा है पूरे प्रमोशंस में ये मुझे नहीं बोलने देते थे, फिल्म आके चली गई अभी मुझे नहीं बोलने देते, क्या मसला आपके साथ, बस यही कंपटीशन था, क्या है
बोलती क्यों बंद कर रहे हो उसकी? हमेशा मेरा जारा के साथ आई थिंक कुछ सीन्स थे मेरे, और जारा को तो मैं बहुत पुराना जानती हूँ, तो उनके साथ तो कभी हो ही नहीं सकती है, तो बहुत दोस्ती और बहनों वाला. वो एक्चुअली शब्बो थी मेरे लिए. एक सीन था, मैं अभी जब मैंने फर्स्ट टाइम फिल्म देखी तो इसमें जारा का सीन था, और वो हसन आते हैं वो जिसमें फिल्म में, और वो खड़ी हुई थी तेरी, तो मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कितनी प्यारी लग रही है ये, कितनी क्यूट सी लग रही है, तो उनके साथ तो हो ही नहीं सकता ये, और कोई था ही नहीं, और यही थे बस, एक पीछे रह गए मेरे साथ. तो ऐसी कोई तुम्हें फीलिंग नहीं आई? बिल्कुल. और कभी अभी तक काम पे किसी ने तुम्हें? 9 साल हो गए मुझे इफ़त, अभी तक नहीं आई और ना आएगी. अब जो लोग कहते हैं ना कि अच्छा तुम्हारा कंपटीशन उससे इससे, मैं कहती हूँ कंपटीशन क्या होता है, इतनी सी तो है हमारी अभी इंडस्ट्री, तो आप बहुत जरूरत है, और बहुत जरूरत है, और आप अपना हर काम कर रहे हैं. इफ़त उमर, इफ़त उमर है मुझे, मतलब उनको किसी की तरह का नहीं बनना. हाँ कोई ये कहे कि मुझे इफ़त उमर बनना है तो क्यों नहीं, अगर कोई ये कहे. हाँ लेकिन